विश्वगारुची जीवनदायी यमुना दिल्लीर पानी पवन सबु एबे विषाक्त यमुना नदी रे प्रदूषण मात्रा एते मात्रा रे वृद्धि पाइछि जे पूरा नदी फेण रे भर्ती होई जाइछि जहाँ बरफर भ्रम सृष्टि करुछि तेबे या विषाक्त फेण एई फेण रे लोक माने गाधौथिबा देखिबाकु मिलिछि विशेष करी वर्तमान छठ पूजा चलीछि एवं व्रतधारी महिला माने नदी रे स्नान करी सूर्य देवतांकु पूजा करिवार परंपरा अछि तेणु महिला माने व्रत पालन करिबा पई एई विषाक्त पानी रे बुड़ पकाइबाकु बाध्य होउछन्ती जहाँ गुरुतर चर्म रोग सृष्टि करिवार आशंका रखी एपरिकी आखि नष्ट होइजिबार आशंका रहितबा विशेषज्ञ माने कहिछंती कोहा जाउछि यमुना नदीर पाखापाखी इलाका रे डिटर्जेंट प्रस्तुत करथिबा कारखाना सह अनेक कपड़ा फैक्ट्री रहिछि यार विषाक्त पानी सीधा सड़क आसी यमुना नदी रे मिसुछि जेउथि पाई फेण सृष्टि होउछि ए विषाक्त पानी पाइप जोगे दिल्लीर प्रतिटि घरकु जाउछि वर्तमान परिस्थिति रे नदीर जल व्यवहार न करिबा पई लोकंकु परामर्श देइछंती दिल्ली सरकार अब पानी तो सर गंदा रहे चाहे अच्छा रहे सब दिन में इसमें छठ किए हैं और घर एक रूम है तो उसमें हम सामान रखेंगे कि छठ करेंगे कि सोएंगे उसमें तो कर नहीं पाएंगे तो हम सब दिन हिया जमुना जी में मनाएं तो आज भी हम चाहते हैं हमारे लिए तो ये शुद्ध पानी है बहता पानी है तो कितनों गंदा है तो शुद्ध है हमारे लिए पानी है तो मैं इसलिए चाहते हैं कि हिया में छठ करें सबके लिए नहीं एक रूम है तो कैसे दे पाएंगे रोड पर बीच रोड पर तो हमको देने नहीं देंगे और हमको तो मजबूरी है तो हमको तो यमुना जी आना ही पड़ेंगे चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो ये त्योहार होती है बहते पानी में चाहे गंदा हो चाहे साफा हो बीमारी हो सकती है बीमारी तो 100% है सर इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है लेकिन ये तो सरकार की नाकामी भी दिखाते हैं सरकार को इसको सफाई वफाई रखना चाहिए पूरी तरीके से